अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कशन की थी, तो उसके अंदर हमने दो कैटेगरीज डिस्कस कर ली थी। वन इज कॉल्ड दी प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी और दूसरी हमने डिस्कस की थी लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल रेशियोज। इसकी आज हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, दोनों कैटेगरीज की हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। जो हमारी तीसरी कैटेगरी है, पहले उसकी मैं कैलकुलेशन करवा दूं, फॉर्मूला सॉल्वेंसी रेशियोस, फिर उसके बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हम इनकी कमेंट्री पे बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करेंगे। तो सॉल्वेंसी रेशियोज जो कंपनी की हैं, वो कंपनी की बैंकरप्सी से रिलेटेड भी हमें बताती है। बैंकरप्सी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके अंदर हमारी जो पहली रेशो कवर होती है, दैट इज कॉल्ड गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो जो होती है, गियरिंग रेशो के अंदर हमारे पास दो वर्जन होते हैं। एक गियरिंग रेशो का वर्जन है विच इज कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशो। इस रेशियो के अंदर हमें पता क्या चलता है, हमें पता ये चलता है कि कंपनी के पास टोटल फाइनेंसिंग में कितना डेट है और कितनी इक्विटी है। हाउ मच डेट इज इन टोटल फाइनेंसिंग। हमने कंपनीज अकाउंट्स में पढ़ा था कि जब कंपनी फंड रेस करती है तो कंपनी के पास ऑप्शन ये होता है कि कंपनी इक्विटी फाइनेंस भी रेस कर सकती है और कंपनी डेट फाइनेंस भी रेस कर सकती है। तो आप कंपनी का इक्विटी और डेट का जो प्रोपोर्शन होगा, उस प्रोपोर्शन के बारे में ये रेशियो हमें हेल्प आउट करती है। फॉर्मूला इसका ये बनेगा, जो फॉर्मूला इसका बनना चाहिए, सो डेट टू इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला इसका बनेगा लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 1,000 और इक्विटी भी हमारे पास 1,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 100%। अब अगर डेट टू इक्विटी 100% आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस कंपनी की टोटल फाइनेंसिंग में कंपनी के पास 100% डेट एंड 100% इक्विटी। यानी कि जितना कंपनी के पास इक्विटी है, उतना ही कंपनी के पास डेट है। तो ये कंपेयर करता है कि आपके पास इक्विटी कितनी है और आपके पास डेट कितना है। सो ये डेट को इक्विटी से कंपेयर करके बताता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखें, जब हम डेट लेते हैं, जब हम लोन लेते हैं, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और वो इंटरेस्ट क्या होता है? वो इंटरेस्ट कंपलसरी होता है। ये हमने कंपनीज अकाउंट्स के अंदर पढ़ा था कि इंटरेस्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है। लेकिन जब हम शेयर्स इशू करते हैं, तो शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड देना होता है, और वो डिविडेंड जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। सो एज अ रिजल्ट, अगर एक कंपनी के पास जितना ज्यादा डेट होगा, वो कंपनी खतरनाक हो जाती है, रिस्की हो जाती है। किस चीज का रिस्क? रिस्क ये होता है, इसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। रिस्क ये होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट ना हुआ, हाउ विल यू पे इंटरेस्ट? अगर आपके पास प्रॉफिट कम हुआ, तो आपको इंटरेस्ट देने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। थिंक अबाउट इट, कि हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट होता है,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम क्या देते हैं, हम इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट पे करने के बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स पे करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी ने डेट फाइनेंसिंग लिया हुआ होगा तो कंपनी जितना ज्यादा डेट फाइनेंसिंग लेगी उतना आपका इंटरेस्ट का बर्डन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना आपका इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा उतना शेयर होल्डर्स के लिए जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। तो जब अवेलेबल प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए कम होगा तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, उसकी इम्प्लीकेशन ये होगी लेस डिविडेंड विल बी पेड, या तो कंपनी डिविडेंड देगी नहीं या कंपनी कम डिविडेंड देगी। दिस इज अ रिस्क। और इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट होना चाहिए। अगर किसी साल कंपनी का प्रॉफिट खराब हुआ तो कंपनी इंटरेस्ट कहां से देगी? तो हम ये कहते हैं कि कंपनी के पास डेट फाइनेंसिंग कम होनी चाहिए, लेस डेट एंड मोर इक्विटी। जो कंपनी कम डेट रखती है ज्यादा इक्विटी रखती है उनको कहा जाता है लो गियर्ड कंपनी। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास हाई डेट हुआ और लो इक्विटी हुई तो उस कंपनी को कहा जाएगा हाईली गियर्ड कंपनी, और हाईली गियर्ड कंपनी ज्यादा रिस्की होती है एज कंपेयर टू लो गियर्ड कंपनी। रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है कि इंटरेस्ट कंपलसरी है, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको इंटरेस्ट देने के अंदर प्रॉब्लम होगी। और एज अ रिजल्ट इफ यू आर नॉट एबल टू पे इंटरेस्ट क्या होगा, अगर कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे सकती तो जो लोन प्रोवाइडर्स हैं वो आपको कोर्ट में ले जाएंगे और कंपनी को डिक्लेयर कर देगी कि कंपनी क्या हो चुकी है, कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। बैंकक्रप्ट मतलब इनसॉल्वेंट, और कंपनी इज नॉट पे एबल टू पे इट्स इंटरेस्ट ऑन टाइम, तो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, किस्सा तमाम, हमें बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने का तरीका क्या है? इस चीज को अवॉइड करने का तरीका यह है कि जब भी आपको फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी आप ये देखेंगे कि आपके पास डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, और आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसके अंदर डेट कम होना चाहिए और इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें कौन सा रेशो यह हाईलाइट करके दे रहा है, गियरिंग रेशो, जिसका पहला वर्जन है डेट टू इक्विटी रेशो, और उसका एक दूसरा वर्जन है, इसी गियरिंग रेशो का एक दूसरा वर्जन है, यानी कि दो फॉर्मूले समझ लो तुम, गियरिंग रेशो निकालने के दो फॉर्मूले हैं। दूसरा जो वर्जन है ये कहलाता है डेट टू टोटल कैपिटल, सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है। डेट टू टोटल कैपिटल का फॉर्मूला होगा डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। वहां फॉर्मूले में क्या था, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, यहां फॉर्मूले में क्या है, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, मतलब वही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस साल डेट है 500 और हमारे पास इस साल इक्विटी है 1000। इस फॉर्मूले से अगर हम आंसर कैलकुलेट करेंगे तो 500 हमने न्यूमरेटर में रखा, 500 हमने दोबारा डिनोमिनेटर में रखा, 1000 हमने दोबारा डिनोमिनेटर में रखा, कोई आंसर बताएगा, आंसर बताओ इसका क्या होगा, 500 डिवाइडेड बाय 1500 ये रेशो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं गियरिंग रेशो, ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्योंकि तुम अब ये बेसिक पढ़ रहे हो तो ये जस्ट बेसिक बेसिक फॉर्मूला डेफिनेशन यू नीड टू क्लियर। हाँ जी, 500 डिवाइडेड बाय 1500 सॉल्व कर लो भाई, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है राइट नाउ।
33.3%, ठीक है, मैंने लेट देखा मैसेज, सॉरी, 33.3%। अब ये 33.3% क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि डेट इज 33.3% इन टोटल फाइनेंसिंग। आपकी टोटल फाइनेंसिंग कितनी है? टोटल फाइनेंसिंग है आपकी 1500, डेट प्लस इक्विटी मिलाकर। इसके अंदर डेट कितना है? 500 डेट, विच इज 33%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी टोटल फाइनेंसिंग में डेट 33% है तो इक्विटी कितनी है? इक्विटी हो गया रिमेनिंग पोर्शन 66.7%। तो कंपनी ने टोटल जितना भी फंड रेस किया है उसके अंदर इक्विटी ज्यादा है और डेट कम है। इसका मतलब है ये कंपनी एक लो गियर्ड कंपनी है और इसका रिस्क कंपैरेटिवली कम है। सो ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो या डेट टू डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस कैपिटल आ रहा है हमारे पास, इसका सिर्फ आंसर में फर्क आएगा, इसका कॉन्सेप्ट वही है। अगर इसी एग्जांपल के अंदर मैं डेट टू इक्विटी निकालता हूं तो आंसर बताओ क्या आएगा? 500 का डेट है, 1000 की इक्विटी है, ऐसे ही था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आंसर आएगा? 50%। अब इस 50% को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक सेकेंड, 50% ये आंसर आएगा, कुछ और आएगा? 500 डिवाइडेड बाय 1000, am I right? कंफर्म करो। जी सर, 50 आएगा। अब 50 की इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इसके अंदर 50 की इंटरप्रिटेशन ये होगी कि आपके पास डेट इज 50% एज कंपेयर टू इक्विटी। अब यहां पर हम इक्विटी के मुकाबले में कंपेयर कर रहे हैं डेट कितना है। सो इक्विटी जितनी भी है, डेट उसका कितना है? हाफ, आधा, सही है, बराबर नहीं। अगर डेट इक्विटी के बराबर आ जाता है या डेट इक्विटी से बढ़ जाता है तो खतरनाक बात है। अगर डेट इक्विटी के अंदर अंडर आता है, कम रहता है, तो हम कहते हैं कि ज्यादा सेफ सिचुएशन है और कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। सो ये दो गियरिंग रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज के दो वर्जन आ गए। पहला गियरिंग रेशियो डेट टू इक्विटी और दूसरा गियरिंग रेशियो डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। एग्जाम में तुम्हें ये बताया जाएगा कि तुम्हें पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है या दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो इसका जो तीसरा सॉल्वेंसी रेशियो, उसका जो तीसरा रेशियो बनता है वो है इंटरेस्ट कवर। अब तक कितने फॉर्मूले हो गए तुम्हारे? मेरे ख्याल से तकरीबन ये शायद 14वां या 15वां फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले रटने हैं, याद करने हैं। इंटरेस्ट कवर या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये देखो एक जरा चीज समझो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 500, इंटरेस्ट है 100। सो इंटरेस्ट देने के बाद अवेलेबल प्रॉफिट कितना बचा? 1000। इंसान को चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए, अपनी औकात में लेकर काम करना चाहिए। तो अगर एक कंपनी के पास प्रॉफिट है 500, तो क्या कंपनी को इतना लोन लेना चाहिए कि वो प्रॉफिट कम पड़ जाए और इंटरेस्ट ना दे सके? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें क्या बताता है? ये बताता है पोटेंशियल टू पे इंटरेस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। ये इसकी डेफिनेशन है। या हम ये कह सकते हैं एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से कितने मर्तबा इंटरेस्ट पे कर सकती। तो ये आपकी एबिलिटी के बारे में बताता है। अगर आपकी एबिलिटी अच्छी है so that's good, अगर आपकी ability खराब है that's bad, अच्छी बात नहीं होगी।
जितनी कंपनी की एबिलिटी अच्छी होगी उतना अच्छा है। फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट कवर का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इस सवाल में अगर मैं एग्जांपल में डालूं तो प्रॉफिट पड़ा हुआ है 500, इंटरेस्ट कितना है 100, आंसर आएगा 5 टाइम्स, टाइम्स में आंसर आएगा, परसेंटेज में आंसर नहीं आएगा। तो ये 5 टाइम्स क्या इंडिकेट कर रहा है? कंपनी इज एबल टू पे 5 टाइम्स इंटरेस्ट। ये कंपनी का प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि आपको इंटरेस्ट सिर्फ 100 का पे करना है, लेकिन आपका पोटेंशियल कितना है, 5 मर्तबा इंटरेस्ट दे सकते हैं। अब ये पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू लेंडर, लेंडर अपने आप को, लोन प्रोवाइडर अपने आप को सेफ फील करता है। वो कहता है यार कंपनी मेरा इंटरेस्ट हमेशा पे कर सकती है, कंपनी के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है कि कंपनी इजीली मेरा इंटरेस्ट पे कर सकती है। तो इसका मतलब वो जितना इंटरेस्ट कवर अच्छा होगा उतना कंपनी के पास रिस्क कम होगा। जितना इंटरेस्ट कवर लो होगा उतना कंपनी ज्यादा रिस्की समझी जाएगी। और इसका एक आइडियल रेशो होता है, आइडियल इंटरेस्ट कवर होता है कितना, ये बात ध्यान में रखिए, आइडियल है ना, आइडियल वाइडियल होता कुछ नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में तुम लोगों से पूछा जाए कि यार आइडियल बताएं, आइडियल से कंपेयर करें, तो आप 3 टाइम्स से कंपेयर करें। 3 टाइम्स का मतलब क्या, जितना इंटरेस्ट होना चाहिए 3 गुना उसका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर एक कंपनी के पास 50 का इंटरेस्ट है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 3 गुना कम से कम 150। अगर 150 से प्रॉफिट कम है, आंसर 3 टाइम से कम आ रहा है, इसका मतलब है अलार्मिंग सिचुएशन, कंपनी इज नॉट गुड। सही जी। नेक्स्ट लास्ट रेशो, डेट टू एसेट रेशो। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाज दफा फॉर्मूले में आ जाती है, इसलिए मैंने लिख दिया, बहुत कॉमन रेशो नहीं है। इसका फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। कंपनी जो भी एसेट्स खरीदती है, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है, बचपन से तुम्हें पढ़ाया जा रहा होगा कि कंपनी जो भी एसेट्स खरीदती है वो कहीं से पैसा लेकर खरीदती है, या तो इक्विटी वालों से पैसा लिया होगा या डेट वालों से पैसा लिया होगा। तो ये रेशो ये हमें बताती है कि आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो फाइनेंस कहां से हुए। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे समझो कि तुम में से किसी को फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप खरीदना, लैपटॉप है 1 लाख का, सही है, तो आपको एक लैपटॉप चाहिए 1 लाख का, 1 लाख उसकी कॉस्ट है। अब आपके फादर ने कहा कि यार 10,000 में दे दूंगा, 90,000 आप उधार पे ले लें, किसी से लोन लेके ले लो, तो हम ये कहेंगे जो लैपटॉप आपने खरीदा है इसमें डेट फाइनेंसिंग कितना है, 10,000 तो मेरा अपना है लेकिन डेट फाइनेंसिंग कितना है, 90,000 रुपए। तो जितना ज्यादा डेट फाइनेंसिंग होता है उतना रिस्क ज्यादा होता है। क्यों रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि डेट इज कंपल्सरी। डेट क्या होता है, डेट इज कंपल्सरी टू पे, अगर फॉर एग्जांपल आप सोचें PIA ने एक जहाज खरीदा, 50 करोड़ का एक जहाज खरीदा और लोन लेकर खरीदा, तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, कोई बताएगा?
क्या प्रॉब्लम होगा? एनीवन? आजकल की सिचुएशन पे सोचो, जहाज चल नहीं रहे, सारे रूट्स बंद पड़े हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, एनीवन? देखो होगा क्या, आजकल सारे रूट बंद पड़े हुए, आपका जहाज चल तो रहा नहीं है, इनकम तो आ नहीं रही, लेकिन आपका जो बैंक है जिसने आपसे आपको लोन दिया है वो कहेंगे लाओ इंटरेस्ट दो। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका डेट टू एसेट रेशियो ज्यादा होगा तो एसेट्स आपको अर्निंग दे ना दे, एसेट से आपको बेनिफिट मिले ना मिले, एसेट आपका चल रहा हो या ना चल रहा हो, आपका जो मीटर है ना इंटरेस्ट का, वो मीटर चल रहा होता है। तो ये इसी तरह से जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में तुम्हें पढ़ाया जाता है फिक्स कॉस्ट, कि आप काम करें ना करें फिक्स कॉस्ट तो आपको पे ऑफ करनी है। इसलिए डेट टू एसेट रेशियो जितना ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा होगा। ये हमारी ओवरऑल रेशियोज हो गई कंप्लीट, जितनी भी रेशियोज हमने पढ़नी थी वो रेशियोज हमने पढ़ ली, डेफिनेशन फॉर्मूलाज वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिए। अब चलते हैं जरा तुम्हारी रिवीजन किट के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद फाइनली हम हर रेशियोज की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन पे बात करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। किसी का कोई सवाल है? एनीवन? तो मैं एक रिवीजन किट का सवाल शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर मेजॉरिटी सारी रेशियोज हम कैलकुलेट कर लेंगे, पूरी आज तक जो हमने रेशियोज कैलकुलेट की हैं ओवरऑल सारी रेशियोज हमारे सामने आ जाएंगी। लेट मी शेयर द क्वेश्चन। अगर आपके पास रिवीजन किट है तो रिवीजन किट का मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ, तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है तो शायद पेज नंबर एज इट इज मैच करेगा नहीं, आप इसी पे गुजारा करें। काफी तवील सवाल है, रेशियोज लॉन्ग कैलकुलेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन रेशियोज पूरे 15 नंबर का सवाल नहीं आता। रेशियोज इज लाइक दैट के कोई पार्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का रेशियोज के ऊपर सवाल सेक्शन बी के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन रेशियोज नॉर्मली एमसीक्यूज में आता। तुम लोगों का बेसिक सारा कंप्लीट हो चुका है, जो सेक्शन मैंने नहीं करवाना जो किसी और टीचर ने करवाना था पूरा। क्या पोजीशन सिलेबस की? हेलो, अच्छा सवाल मैंने देखे नहीं, तो एक सवाल पूछा हुआ है स्टूडेंट ने कि 50% डेट हाईली गियर्ड कंपनी लोन को वापस कैसे करेंगे, आई मीन इंटरेस्ट सर मुनीब ने करवाया है। अच्छा सही, तो हो गया सर मुनीब का पोर्शन पूरा चल रहा है। हो गया, यानी कि अब तुम्हारा, और उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाए तुम लोगों को, आईएएस आईएफआरएस सारे करवा दिए, IAS 2, IAS 16, 38, 37, IAS 10, IAS 2, तो इसका मतलब है तुम्हारा क्या बाकी रह गया? कैश फ्लो मैंने करवा दिया, कंपनी मैंने करवा दिया, रेशो आज हमारा खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
एसीसी प्लान कर रहा है 15 जून से सीबी स्टार्ट करने का, और वो सीबी शायद में भी ना ऑनलाइन सीबी होंगे, घर पे बैठ के आप सीबी दे सकते हैं अपने रूम में बैठ के। अभी उसका मैकेनिज्म कोई खास समझ में आया नहीं है, बताया नहीं है इन लोगों ने, लेकिन इट विल बी लाइक कि अगर लॉकडाउन नहीं खुलता और ये अलाउ नहीं करते कि आप सेंटर में जाके सीबी दें, तो यू कैन अटेम्प्ट सीबी फ्रॉम योर होम। चले जी, क्वेश्चन करते हैं। देखें जी, ये कि उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस दे दिया, और इस सिनेरियो के ऊपर ओवरऑल कितने सवाल बन रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 390 से लेकर किट में 401, यानी कि 10 11 12 सवाल इस पर्टिकुलर सिनेरियो से रिलेटेड है। इन्होंने आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है एक कंपनी का, और उसका पिछला साल भी दिया हुआ है 2004 और 2003, 2 साल दिए। इसमें आपके पास एक अदद इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक अदद इसके अंदर बैलेंस शीट दी हुई है, ये देखें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और ये रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट है आपको आरओसीई निकालना है, फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, फिर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, एसेट टर्नओवर निकालना है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, पेबल पेमेंट पीरियड, सही है, सबकी डेफिनेशन बतानी है, डेट टू इक्विटी रेशियो, सही है, गियरिंग रेशियो। अच्छा, ये गियरिंग रेशियो जब बोल रहा है ना अलग से, तो गियरिंग रेशियो का मतलब है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो भी गियरिंग रेशियो ही होती है, सही है, और उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ओवरऑल इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी रेशियोज इन्होंने पूछी हुई है, इक्का दुक्का कुछ छोड़ी हुई है, मेजोरिटी रेशियोज पूछी हुई है। तो रेशियोज हमें पिछले साल की भी निकालनी है और अगले साल की भी निकालनी है, सो लेट्स बिगिन विद, मैं पॉसिबल सारी रेशियोज ही निकाल लेता हूँ, किस्सा तमाम। सो 2003 और 2004, ये हमारा एयर हो गया 2003, तुम लोग मुझे कैलकुलेशन करके देते जाओ। पहली रेशियो निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ढूंढें जी ग्रॉस प्रॉफिट, ढूंढें कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 2004 का ग्रॉस प्रॉफिट है 340,995 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है 1391820 मल्टीप्लाई बाय 100, निकाले आंसर। और अगले साल का है 406,400 डिवाइडेड बाय 1159850, इसका आंसर निकाले। जीपी मार्जिन बताएं कितना होगा 2004 का और 2003 का। ये आंसर आ रहा है 24.5 और 35.4। थोड़ा बहुत आंसर वेरी कर सकता है, वो चलेगा। नेक्स्ट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें यहां पर इनकम स्टेटमेंट में उसने अलग से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया हुआ, सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाना पड़ेगा। तो 2004 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर आपको निकालना है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। तो हम 2004 का पहले निकाल लेते हैं, तो 2004 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 340,995, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ये आ गया PBIT, और इसको डिवाइड कर दें आप सेल्स से
1391820 मल्टीप्लाई बाय 100। मीटिंग मेरी एंड हो जाएगी तो उसका तरीका यही है, आज भी प्रॉब्लम है तो आप उसको रीज्वाइन कर लीजिएगा, 10 सेकंड के बाद दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा मसला। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे 2004 का तो उसका आंसर आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 12.9%। चेक कर लो, इज इट 12.9%? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, फिर उस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो पीबीटी आ जाएगा, ये इनकम स्टेटमेंट में हमें पता है। अगले साल का क्या होगा, अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट है 406,400, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, सॉरी एक्सपेंस माइनस किया 950 और सेल्स से डिवाइड कर दिया 1159850 मल्टीप्लाई बाय 100। सो नेक्स्ट ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंसर आना चाहिए आपके पास 20.3। चेक करते जाओ, आंसर सही नहीं आए तो मुझे बता देना कि आंसर सही नहीं आ रहा। 20.3। अब एक नजर अगर देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2004 में कितना है 24.5 और 2003 में कितना था 35.4। क्या हुआ, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी कि कंपनी कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रही है सेल्स के ऊपर प्रॉफिट रेशियो, वो पहले 35% था, अब उठ के 24.5 हो गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9% से फॉल हुआ है, नॉट गुड, पुअर परफॉर्मेंस। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 20% था ऑलमोस्ट, अब कितना हो गया है 12.9%, इसका मतलब है कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मार्जिन भी गिर गया, नॉट गुड, पुअर परफॉर्मेंस, ये भी बेकार परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो मैंने 391 कर दिया और 392 कर दिया, ये दोनों तो हमने कैलकुलेट कर लिया। सवाल में दिया हुआ नहीं है नेट प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं नेट प्रॉफिट मार्जिन, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मैंने नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताया था कि नेट प्रॉफिट मार्जिन प्री टैक्स भी होता है और पोस्ट टैक्स भी होता है, आफ्टर टैक्स। जब आफ्टर टैक्स की बात की जाएगी तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, और जब बिफोर टैक्स मार्जिन बोला जाएगा तो पीबीटी लेंगे। अब 2004 में पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2004। सो 2004 में हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 118745 और हमारी सेल्स हैं 2004 की 13,91,820 मल्टीप्लाई बाय 100। बताएं जी आंसर क्या होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन 2004 का। ट्वेल्व पॉइंट नाइन तो पिछला था। निकाला किसी ने नेट प्रॉफिट मार्जिन 2004? निकाल लो भाइयों, 8.53। गुड, 2003 पे आ जाए, पिछला साल। सो पिछले साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ रहा है 155,150 और सेल्स आ रही है पिछले साल की 1159850।
इसका आंसर बताएं, प्रॉफिट मार्जिन। फॉर्मूला याद होने के बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पड़ा हुआ होता है इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा, बैलेंस शीट का डेटा, ये सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी और वहां से आंसर निकालना पड़ेगा। 13 पॉइंट, अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो आप ये देखेंगे 2003 में कंपनी का प्रॉफिट 13.37 था और 2004 में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 8.53 हो गया। तो ओवरऑल देखो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी गिर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर रहा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिर रहा है। क्या रीजन होगा इसका? तीनों प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट गुड। रीजन बताएगा कोई? Why? ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी के फॉल होने का रीजन समझ में आता है क्या? आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फॉल होने का रीजन समझ में आता है, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गया होगा। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट और जो टैक्स एक्सपेंडिचर है, शायद वो आगे पीछे हो गए होंगे, ये रीजन समझ में आता है। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी गिरने के पीछे जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर का बढ़ना। अगर कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं करती तो प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है, वन ऑफ द रीजन। अभी मैं इंटरप्रिटेशन पे आऊंगा तो मैं फिर हर रेशो की रीजन के ऊपर बात करूंगा क्या होते हैं, जस्ट अ रीजन। अब हमारी नेक्स्ट रेशो जो है, तीनों कवर हो गई हमारी, अब नेक्स्ट रेशो हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पहला वाला ना 390, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद एसेट टर्नओवर। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं ROCE। ROCE का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी? कैपिटल एम्प्लॉयड की मैंने डेफिनेशन बताई थी टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वन ऑफ द डेफिनेशन, पीबीआईटी और कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये निकाल लेते हैं हम। सो 2004 का पहले हम निकालते हैं, तो 2004 का पीबीआईटी, 2004 का पीबीआईटी निकालने के लिए तो पीबीआईटी हमने यहां निकाला था, पीबीआईटी 2004 का हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में निकाला था। सो ग्रॉस प्रॉफिट 340995 ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे कितने थे? 161450। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए, पीबीआईटी आ गया। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। सो कैपिटल एम्प्लॉयड 2004 का टोटल एसेट्स हमारे पास हैं 108445, ये टोटल एसेट्स आ गए 108445 टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करूंगा? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी है? करंट लायबिलिटी हमारे पास है, चलिए नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करते हैं।